नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, आसानी से अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जा सकता। और यह वीडियो है 1075वें दिन का। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ते समय कहीं भी थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है, या बिल्कुल भी नहीं जानते इंग्लिश पढ़ना, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं सारे आपकी सारी समस्याओं पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये एक टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट जो कि बाद में आएगा, लेकिन पहले मैंने यहाँ पर रखा है ताकि आप समझ सके कैसे पढ़ते हैं। तेज से मैं पढ़कर दिखाऊंगा और आप क्या आप इस तरह से पढ़ पाते हैं या नहीं। देखिए, डीप इन द हार्ट ऑफ ऊटी लाइज द ग्रीन स्टार्ट विद अ मसाज एट आवर स्वास्थ्य स्पा, रिलैक्स, देन इट्स टाइम टू हाइक अप टू द टावरिंग डोडावेटा पीक एंड एन्जॉय द mesmerizing sights or fall in love with roses of every color at one of the largest rose garden in India, and don't miss camping under the star. Your Ooty holidays sound just perfect. Once you arrived at Ooty, try the multi cuisine restaurant, later take a walk in the beautiful pine forest before calling it a night. In the morning, go trekking or elephant riding. If you aren't an outdoor person, don't worry. Sing your heart out at the karaoke session or boogie around the बॉनफायर विद। तो दोस्तों ये है तरीका पढ़ने, कितना समय लगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगा, मैंने बहुत ही स्लो पढ़ा ताकि आप भी समझ सकें। और जब नया टेक्स्ट पढ़ते हैं तो बहुत ही लोग स्लो हो जाते हैं, थोड़ा सा अगर रहता टेढ़ा या कुछ शब्द टेढ़ जाते हैं, लेकिन इसको अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कैसे पढ़ना मैं बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं फिर से वापस वहीं से जहाँ से मैंने आपको छोड़ा था अभी। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, व्यंजन को समझिए पहले। आज थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। देखिए क्या होता है व्यंजन, वर्णमाला के अंदर का एक पार्ट है व्यंजन, और ये जो है 36 तरह से इसका उच्चारण किया जाता है, मतलब 36 ही है व्यंजन। और ये 36 व्यंजन में जब कोई एक स्वर मिलाता है, अब स्वर कहेंगे स्वर का क्या होता है, जब स्वर कोई मिलता है तब एक अक्षर बनता है। इन अक्षरों में अक्षर को जोड़ते जाएंगे ना, तो 20 अक्षर तक के समूह को जो है शब्द बोलते हैं, ठीक है, शब्द बोलते हैं, शब्दों के समूह को जो है वाक्य बोलते हैं। अब ये सब अक्षर क्या है ये सब समझिए। देखिए अंगा, जिसमें एनजी का प्रयोग होता है, ईया, ये देखिए वाईएन का प्रयोग होता है, और ये व में वी डब्ल्यू है, तालाबेश है, मूर्धन्य है, दंश है, अक्षा में केसच है, त्रा में टी आर है, गय में जी वाई है। तो दोस्तों ये जो है आपको अच्छे से आपको समझना होगा कि अक्षर कैसे बनते हैं। अक्षर बनने के पहले दोस्तों, पहले मान लीजिए इस क को मैंने यहाँ लेता हूँ, इंग्लिश की बात नहीं हो रही, इंग्लिश तो आपको याद करनी ही है। तो क में जब अ मिला दें, क में जब अ मिला, स्वर 14 होते हैं ना, अ मिला दें तो एक अक्षर हमारा बन जाता है क, यानी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है तो एक अक्षर बनता है क। अंग्रेजी भी इसी तरह से क का के होता है ना, अब ए हो गया, इस तरह से के होता है क, ये है। लेकिन अब ये जो व्यंजन है, इस व्यंजन में ऐसे ही जो है अगर का लिखना होता आ जोड़ देते तो यहाँ का हो जाता, तो मात्रा चिन्ह का खेल है, मात्रा चिन्ह को समझना होगा, इसके लिए हम लोग को स्वर में चलते हैं। चलिए स्वर देखते हैं। दोस्तों वर्णमाला का पहला पाठ सर मैंने बताया था स्वर, स्वर है 14। तो देखिए ये जो है स्वर का मात्रा चिन्ह के साथ चलेंगे, जैसे अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का ये हो, छोटी कार का इस तरह से मात्रा, बड़ी कार का ये मात्रा चिन्ह, छोटी कार का ये मात्रा, बड़ी कार का, री का मात्रा चिन्ह, बड़ी री का ये हाँ मात्रा चिन्ह। अब अ का ए हुआ का डबल ए जाएगा, सिंगल ए का छोटी का ई, बड़ी का डबल ई, छोटी यू का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री के लिए आ रहा है, बड़ी री के आर डबल ई। उसके बाद जो ए है, ए का ये हो गया, ए का हो गया, ओ का हो गया, अ का हो गया, अन का हो गया, ये है अनुनासिक का, आ का यहाँ हो गया। तो ए का ई होता है, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, आ का एच, तीन जो है आपको बहुत ही सावधानी से याद रखना होता है, लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो मात्रा चिन्ह ही है ना, जैसे लिख रहे हैं सुरुचि, ठीक है, सॉरी सु, ये देखिए रू, ये रू हो गया, चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए सुरुचि लिख दिया गया, तो यहाँ पर जो है छोटी उगार की मात्रा वाला ये है, बड़ी उगार के लिए मात्रा के लिए हो गया, और ची ची के लिए यहाँ पर छोटी उगार की मात्रा ही हो गया, बाकी सब जो है हमारा जो है व्यंजन है।
तो सुरुचि ये लिखा गया, तो मात्रा चिन्ह, तो मात्रा चिन्ह अगर जानते हैं तो स्वर के साथ जो मात्रा चिन्ह है आप उसका डायरेक्ट अंग्रेजी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। जैसे देखिए सुरुचि लिख रहे हैं, तो सरुचि लिख रहे, सुरुचि लिखने के लिए स प्लस उ प्लस र प्लस उ और च प्लस ई, है ना। तो ये सुरुचि लिखा गया, ये जो है सुरुचि लिखा गया। अब देखिए स के लिए एस लिखेंगे, छोटी यू के लिए यू, र के लिए आर, बड़ी के लिए डबल, बड़ी होने ऊ होने पर भी जो है छोटी यू ही लिखते हैं, च के लिए सी एच होता है और बड़ी छोटी के लिए आई, सुरुचि ये लिखा गया सुरुचि। तो मात्रा चिन्ह, जब मात्रा चिन्ह अगर आपको याद रहता तो मान लीजिए ये लिखा रहता, ठीक है, अगर ऐसे लिखा रहता तो आप क्या करते हैं, आपको पता रहता कि एस, एस का तो श होगा ही, छोटी यू के लिए यू लिख देंगे याद रहेगा, तो आर के लिए रा होगा ही, छोटी यू के लिए डबल ओ करेगा यू लिख देंगे, च के लिए सी एच तो होता ही और छोटी कर का ई होता है, तो आप लिख नहीं सकेंगे किसी भी नाम को ऐसे ही लिखा जाता है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, देखिए तो आप आज के समय में आप जो कि हाथ में आपका मोबाइल है और ऐसे में आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे, अपने नाम को नहीं लिख रहे, दूसरे के नाम आप अपने मोबाइल में गलत लिख दे रहे हैं, तो गलतियां हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, दुकान का नाम नहीं लिख पा रहे हैं, एड्रेस कहीं का, तो बहुत दिक्कत होती है, आने वाले जीवन में बहुत सारी समस्या होती है। साथ ही पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि हर जगह इंग्लिश ही पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग तो बहुत ही कम है ना, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज, अगर दवा का नाम पढ़ते हैं तो इंग्लिश में रहता है, स्कूल कॉलेज जाते हैं तो इंग्लिश में बुक्स वगैरह नाम किताब मिलते हैं पढ़ने को, या पढ़ाना है किसी को तो अंग्रेजी बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्ड्स पे देखते हैं कि वो कॉन्सोनेंट के कौन कौन से लेटर्स हैं जिसका उच्चारण क्या क्या होता है। दोस्तों अल्फ़ाबेट्स, यहाँ अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे। अल्फ़ाबेट जो है 26 है, 26 है, उसका उच्चारण जो है 68 तरह से होता है। जैसे वॉवेल की संख्या 5 है, इसमें एक और मिला लेते हैं, और ये डबल ओ के साथ जो उसका उच्चारण करने का कुल तरीका जो बात करते हैं तो ये 28 तरह से, यानी कि 28 तरह से पढ़े जाते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट की बात करते तो 21 है और ये 41 तरह से पढ़े जाते हैं। इसके अलावा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की आवश्यकता होती है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की आवश्यकता होती है, जो कि आपको तेज़ी से अंग्रेजी पढ़ने में आपको हेल्प करने वाले हैं। बाकी तो मैंने बता ही दिया वर्णमाला का क्या यूज़ है, वर्णमाला 14 था और व्यंजन जो है 36 था, दोनों का अंग्रेजी याद को रखना ही होगा। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट पे, वॉवेल पे बाद में लास्ट बात होगा कि इसका क्या क्या किस किस तरह से अगर एक भी उच्चारण मिस्टेक करते हैं तो पढ़ नहीं पाएंगे। दोस्तों कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की संख्या है 21, है ना, और वो कैसे रहा, तो वॉवेल से अल्फ़ाबेट से ए आई यू को हटा देने के बाद बचा जो कॉन्सोनेंट है, यहाँ उच्चारण आपको याद रखना है, तो इसलिए जो ये लिस्ट है उसको अच्छे से याद रखिए। ये कुछ बात मैं बता देता हूँ, जैसे सी को क बोलते हैं, स भी बोलते हैं, स कब बोलते हैं सी को, जब सी लेटर के बाद जब आई लेटर आए, वॉवेल आए, सी के बाद जब ई वॉवेल आए तब सी को स पढ़ेंगे, सी को क भी पढ़ते हैं, सी को के को भी क पढ़ते हैं, लेकिन सी एस से, सी के से, क्यू से, क्यू यू ई से भी क पढ़ा जाता है। उसके अलावा देखिए श कैसे पढ़ते हैं, देखिए एक और देखिए, टी को, एस को तो स बोलते हैं, जय बोलते हैं, टी को ट तो बोलते हैं लेकिन च और श बोलते हैं, जैसे टी आई ओ एन को सन बोलते हैं, टी आई एल को सी एल बोलते हैं, टी यू आर ई को चर बोलते हैं और टी यू एल को चुअल बोलते हैं, तो शन सियल चर चुअल, है ना, शन सियल चर चुअल, जैसे एक्शन, नेशन, कंडीशन, इनमें सब सन आ रहा है। या देखिए कॉन्फिडेंशियल, इसेंशियल में ये सी आ रहा है, नेचर, फर्नीचर में चर आ रहा है, कैंडिडेचर में फरा है, एक्चुअल, फैक्चुअल में चर जा, ये चुअल आ जा रहा है, तो ये है। उसके बाद सो देखिए यहाँ पर जिसे डी को डर तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, कैसे, जैसे देखिए ग्रेजुएट लिखते हैं, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में डी को ज बोलते हैं, या आप यहाँ देखिए गॉर्जियस, गॉर्जियस में पहला जी ग दूसरा जी ज होता है, वो यू इसको बोलते हैं गॉर्जियस। ये सो आर को र बोलते हैं, आर को र भी बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे वो एक्स एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ई एक्स यहाँ भी आ गया तो क्या पढ़ेंगे, अब यानी कि एक्स के पहले ई एक्स ही वर्ड में स्टार्ट होता है, तब भी एक्स को एक्स या एक जो बढ़ेंगे तो एक्स क्यूज होगा या एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो ये इन सब को याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आपको प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। मान लीजिए वर्ड्स दे रहे हैं, इधर का जो वर्ड्स है, ठीक है, वर्ड्स इधर का जो वर्ड्स मैंने दे दिया, ये वर्ड्स इधर है,
और ये इधर का ये वर्ड्स है, ठीक है। तो सारा वर्ड है, दो तीन स्लाइड ऐसे मिलेगा, तो सारा वर्ड में क्या करना है कि इधर पढ़ना है, इन सब वर्ड्स को पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, तो इधर जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड दिए गए हैं 64 पार्ट्स वर्ड, इसके थ्रू पढ़ना है। जैसे यहाँ देखिए सन लिखा हुआ तो सन पढ़ने आ रहा है, सीएल लिखा हुआ तो सीएल पढ़ने आ रहा है, यहाँ से एन ले लेंगे तो यहाँ देखिए एस लगा सेन हो गया, यहाँ चर है तो यहाँ चर पढ़ने आ रहा है, यहाँ चूअल है तो यहाँ चूअल पढ़ने आ जा रहा है, यहाँ प्रो है तो प्रो पढ़ने आ रहा है, यहाँ देखिए सन को यहाँ सन जन, लेकिन कुछ लोग सीवन पढ़ देंगे ना नहीं जानेंगे, तो सन पढ़ना है, जन पढ़ना है, तो यहाँ जन पढ़ा गया, यहाँ पर सन पढ़ा गया, यहाँ देखिए इन एक पार्ट है, टर एक पार्ट है, यहाँ लॉजी है, इको है, यहाँ टिव है, तो यहाँ देखिए टिव है, एक है, तो ये सब क्या है, ईज है, तो ये सब समझिए, इन इसके थ्रू पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। तीन स्लाइड है, अब तीन स्लाइड पर जब आप अच्छी तरह समझ में, आपकी समझ बढ़ जाए पढ़ते समय, जैसे देखिए ओ यूज़ को अस पढ़ते हैं, तो अस है यहाँ पर, कन भी है, तो बाकी टी न्यू ही पढ़ना था, तो अच्छे से ओ एंग को ओंग बोलते हैं, तो यहाँ ओंग ओंग हो गया, बढ़िया से पढ़िए। तो अगर कोई दिक्कत है तो दो बार तीन बार चार बार पढ़िए, अगर जब पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या कुछ करना है। जैसे देखिए अगर साउंड है, अगर आउंड इसको पढ़ते हैं तो एफ़ लगा तो साउंड फाउंड हो गया, एस लगा साउंड लगे, अगर एसी की जगह जी आर लगा दे तो ग्राउंड हो जाता नहीं, ए आर लगा देंगे तो अराउंड हो जाएगा नहीं, पी लगा देंगे तो फाउंड हो जाएगा नहीं। तो ये जो 64 आवर पार्ट जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको तेज़ी से पढ़ने में मदद देंगे। साथ ही दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है स्पेलिंग, जी हाँ स्पेलिंग जो मिस्टेक हो रहा है वो भी स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होने वाली है, तो इसको अच्छे से समझ बूझ कर जो है पढ़ना सीखें, और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत जल्दी से इंग्लिश पढ़ने में आपको हेल्प करने वाली है। साथ ही नहीं भी तो देखिए ये जो अब आ रहा है इसको कैसे, मेरे साथ जो मैंने शुरू में बताया कि तेज़ी से मैंने पढ़ दिया, आपको पढ़ने के लिए मिल जाए, हो सकता है गलती हो जाए, हो सकता है आप पढ़ दें, अगर पढ़ना ही आता तो फिर आप यहाँ बने क्यों रहते हैं, जाहिर सी बात है नहीं पढ़ने आ रहा है दिक्कत हो रही है तो है आप, तो उन जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को वो तो है ही, साथ ही आपको स्वर और जो जो कॉन्सनेंट है उसका उच्चारण आना चाहिए और वॉवेल का उच्चारण, तो वॉवेल तो अभी इसके अब आने वाले दो स्लाइड के बाद देखेंगे वॉवेल कि उसका क्या क्या उच्चारण होता है, लेकिन पढ़ा कैसे जाता है इस बात पर हम लोग फोकस करते हैं। ये टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट जो है सो जाहिर सी बात है आप देख रहे होंगे, अगर नहीं समझ में तो मैं बता दूँ कि एक ऊटी, ऊटी का नाम तो सुनते ही होंगे आप, तो ऊटी का एक जगह ऊटी है और ऊटी के बारे में कुछ कुछ लिखा गया उसी से रिलेटेड ये है, तो हॉलीडे डेस्टिनेशन है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इधर डीप, लोग हिंदी में दीप पढ़ देंगे, हिंदी में दीप पढ़ देंगे, लेकिन यहाँ ठीक है डीप, दीप नहीं पढ़ेंगे, डीप, डीप इन द हार्ट ऑफ ऊटी लाइज डवी ग्रीन स्टार्ट विद ए मसाज, मसाज मैसेज रहता तो ई रहता, ठीक है, मसाज एट आवर स्वास्थ्य स्पा रिलैक्स्ड, देन इट्स, ये इसे एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, टाइम टू हाइक अप टू टॉवरिंग डोडा बेट्टा, है ना, डोडा बेट्टा एक चूँकि शिखर है और इसी के बारे में बात हो रहा है, डोडा बेट्टा पीक एंड एन्जॉय द मेसमर्जिंग साइट्स और फॉल इन लव विद roses of every color at one of the largest rose garden in India and don't miss camping under the start your Ooty holiday sounds just perfect once you arrive at Ooty try the multi cuisine restaurant later take a walk in the beautiful pine forest before calling it a night in the morning, है ना, morning go trekking or elephant riding if you aren't, इसे ये not बोलते are not, यानी short में लिखते aren't बोलते हैं, and outdoor person don't, इसे भी देखिए not हो गया do not का full short form don't worry, ये देखिए Sing your heart out at the karaoke sessions or boogie around the bonfire with, दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का, थोड़ा सा स्लोली पढ़ेंगे, कैसे पढ़ा गया ये मैंने नहीं अब समझे, तो यहाँ देखिए ई आर को आर बोलते डी लगा डर हो गया, ई आर को लगता है एफ लगा फर हो गया, वो यू एन डी आप देखेंगे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए आउंड भी मिल जाएगा आपको,
तो सब मिलेंगे आप, जब ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण ए के रूप में होता है, ई आर यहाँ देखिए तो अर हो गया, टर हो गया, तो आप देखिए ई एस टी क्वेस्ट बोलते आर लगा तो रेस्ट हो गया। तो सबको बारी बारी से अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही ईजिली आपको सब कुछ समझ में आने लगेंगे। तो दोस्तों ये जो है टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इसके बाद का जो एक टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग हो जाए। कैसे वर्ड्स पढ़ना है हमारे पढ़िए, बगल में हिंदी लिख दिया है, कम से कम इतना उच्चारण तो कर ही सकते हैं। मेरोटिक, इक वाला ये पार्ट है, मेरोटिक इक टी वाला टिक हो गया। मेरियर, मेरियर, मेरियर के बाद देखें मेरीज, आई इसको ये बोलते हैं तो मेरीज हो गया। फिर देखिए मेरिल्स, मेरिल के बाद देखें यहाँ पर है मेरिली, मेरिली, मेरिल के बाद है मेरोज, मेरोज के बाद देखें ये है मर्सन, मर्सन, यहाँ सन पढ़ा गया, जन मर्सन, मर्सन्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मर्टेंस, मर्टेंस के बाद है मथियर, मथियर के बाद है मर्टेज, मर्जेस, मर्जेस के बाद है मर्जॉन। नेक्स्ट है मेरुटिंग, मेरुटिग, मेरुटिग के बाद है मेसेल्स, मेसेल्स के बाद है मेशली, मेशली के बाद है मिसचार्ज, मिसचार्ज के बाद है मेशकल, मेशकल के बाद है मेस्क्लूम, है ना, मेस्क्लूम, ये देखिए मस्क्लून, मस्क्लूम हो गया, मस्क्लून, मेसिम्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है मेसेल्ड, मेसेल्ड के बाद मेसेटस, मेसेटस के बाद मेसफेंस, मेसफेंस, मेसफेंस में मेस, मे सैच, मैसेच। नेक्स्ट देखिए मैशियर, मैशियर के बाद है मैशिंग। नेक्स्ट देखिए ये है मैस्कैट। नेक्स्ट देखिए ये है मैशुगा। नेक्स्ट मैसिके। नेक्स्ट है मैसिक्स, मेसिक्स। नेक्स्ट है मैसमर, मैसमर के बाद है मेसोजिया। नेक्स्ट देखिए ये है मैसोनिक, मैसोनिक के बाद है मेस्क्विन, मेस्क्वाइट, है ना, मेस्क्वीन, मेस्क्वाइट, यही है। नेक्स्ट देखिए ये है मैसेज, मैसेज, मैसेज पढ़ते हैं ना मैसेज, वो मैसेज है, वो मसाज नहीं है, अगर ये रहता तो यहाँ तो मसाज हो जाता, लेकिन ए नहीं है, ई है। दूसरा स्लाइड देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसेंस, मेसेंस। नेक्स्ट देखिए मेसेंस, दोस्तों ये मैसेज का मतलब होता है इसका, तो मैं बताता हूँ भी हूँ, एम एस, एम एस जो है एम अवलिकेस होता है, मैसेज में बहुत सारे लोग इसके प्रति करते हैं, तो मैसेज होता है, इंग्लिश वर्ड है मेशिया, मेशिय, मेशिया के बाद है मेशियस, मेशिय, मेशिय, मेशियस। तो ये है दोस्तों मेशियर, ईयर हो गया ना, सी लगा, मेशियर हो गया। मेशियर के बाद देखिए मेशली, मेशली के बाद नेक्स्ट जो है मेशिना, मेशीना, मेस मतलब मेशिंग, मेशिंग, मेशिंग के बाद नेक्स्ट है मेशमैन, मेशमैन के बाद है मेसमेन। नेक्स्ट जो है इधर मेस्टीस, मस्टीस, मेस्टी के मेस्टर्स, मेस्टर्स के बाद जो है मेस्टेशो, मेस्टेशो के बाद है मेस्टिनो, मेस्टिनो के नेक्स्ट जो है मेस्टीजा, मेस्टीजा के बाद मेस्टीजो। नेक्स्ट है मेस्ट टॉम, मेस्टॉम के बाद मेस्टॉम्स। नेक्स्ट है मेस्टेजेज, अरे मेटल्ड, मेटल्ड के बाद है मेटली, मेटली। नेक्स्ट मेटाम, मेटाम के बाद मेटा टैग, मेटेट्स, मेटेट्स और मेटियर, मेटियर एक के बाद ही है तो मेटियर हो गया। मेटाजोवा, मेटाजोवा के बाद मेटकास्ट, मेटकास्ट का मेट चीफ, मेट चीफ और है मेटियोस, मेटियोस के बाद देखिए मेटे, मेटेपस और है मेटर्ड, मीटर्ड, मीटर्ड। नेक्स्ट है मिथेन, तो मिथेन है। तो इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए और रोज़ रिपीट कीजिए हमारे साथ, नए नए टेक्स्ट, नए नए वर्ड्स के साथ रोज़ हमारे साथ बने रहिए। अब दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है भौवेल का पार्ट होता है, भौवेल का उच्चारण, इसलिए मैंने लास्ट पर रखा है ताकि आप अच्छे से समझें और हमारे साथ बने रहें। भौवेल,
यस, तो ए को कैसे कैसे किस और वर्ड मीनिंग, कोई भी वर्ड मीनिंग आए तो कितने तरह से बुला सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ए को चार तरह से पढ़ा जाता है, जैसे अ मिडिल में ए को देखिए अ पढ़ रहे हैं, आ तो देखिए मास में ए को आ पढ़ रहे हैं, ए तो मिड में ए को ए पढ़ रहे हैं, मैन मैन में ए को ए पढ़ रहे हैं, तो ये ए हुआ ना ए का उच्चारण। उसी तरह ई जो है ई को पांच तरह से पढ़ते हैं, जैसे देखिए अ आ ई ए, जैसे वाटर में ई को अ पढ़ रहे हैं, वाटर में ई को, पेन में ई को ए पढ़ रहे हैं, और पीस में ई को ई के रूप में पढ़ते हैं, जबकि सी के बाद ई है उसको ई है ना, तो आ ही के रूप पढ़ते हैं। उसके बाद सी आई आर ई, सी आई आर सी एल ई, सर्कल, सर्कल में आई जो है, ये जो आई दिख रहा है वो अ के रूप में उच्चारित हो रहा है, और आई को क्या पढ़ते हैं, तो आई को भी पांच तरह से पढ़ते हैं, है ना, अ आ ई ई आई। पिन में छोटी ई के रूप में पढ़ सकते हैं, और जो अंतर करना मुश्किल है, टीन में बड़ी के रूप में पढ़ सकते हैं, और टायर में जो है सो टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, टायर। उसके बाद देखिए ओ को जो है चार तरह से पढ़ते हैं, कौन कौन सा है वो उच्चारण, यानी कहीं वर्ड मीनिंग में है तो इससे अधिक तो पढ़ना है ही नहीं, इसके अंदर ही पढ़ना, अ आ उ ओ। तो सम में ओ को अ पढ़ते, सम, सोम नहीं पढ़ते, सम, ई भी अ ही उच्चारण हो रहा है। अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, रू में ओ को ऊ पढ़ते हैं, और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। उसके बाद देखिए यू का उच्चारण जो है चार तरह से हो रहा है, अ आ उ और यू, जैसे सी यू टी कट में यू को अ पढ़ते हैं, कट, पी यू टी पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, और ट्यून में यू को ईयू पढ़ते हैं। उसके अलावा देखिए डबल ओ, डबल ओ का उच्चारण जो है पाँच तरह से हो रहा है, अ आ उ और ओ और उ ओ। जैसे देखिए एफ एल डबल वाली फ्लड में डबल ओ को अ पढ़ रहे हैं, और एफ एल डबल वाले फ्लोर में है ना, फ्लड, फ्लड क्या बोलते हैं, एफ एल ओ डी फ्लड, फ्लड, तो फ्लड में डबल ओ को अ पढ़ रहे हैं आ, और एफ एल डबल वाला फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ रहे हैं फ्लोर, ठीक है, तो फ्लोर। उसके बाद अगर लिखे रहता है आर डबल ओ एम, तो डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं रूम, या ऐसे लिखते हैं एस डबल ओ एन, तब डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं सून। तो दोस्तों ये जो है तरीका, इसको अगर आप समझ चुके हैं तो अच्छे से, लेकिन देखिए नहीं याद होता है तो याद करने का एक तरीका है, पहले इसे क्लीन करते हैं तो मैं बताता हूँ कैसे याद करना है इसे, क्योंकि याद इतने आसानी से नहीं होने वाला है। देखिए सभी भोबल में पांच है डबल ओ के साथ, अ और आ एक जैसे हैं, ठीक है, अ और आ सभी भोबल, यानी कोई वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तो अ आ उच्चारण होगा, अगर नहीं आपको पढ़ने आ रहा है तो। और उसके बाद देखिए ई और आई की बात करते हैं, वहाँ देखिए ई ई एक जैसे मिल जा रहे हैं, यानी कि ये जो दो है ई आई ई एक जैसे हैं। अगर ओ यू डबल ओ की बात करते हैं तो देखिए ऊ आऊ 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 तीन जो है एक जैसे मिल जा रहे हैं, ठीक है, तीन जो एक जैसे मिल जा रहे हैं। तो अब बचा क्या, सिंगल सिंगल, यू को तो यू बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं ही है ना, और ई को मान लीजिए एक रूप में ध्यान रखिए, और यहाँ पर ए को ए और आई उच्चारण करते हैं, बचा क्या, ओ को डबल ओ को ऊ और ओ, तो ये भी जो है घसीट कर जो लोग बोलते हैं वहाँ वैसा उच्चारण होता है। दोस्तों अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हो, ओनली सर इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पर टाइप सारे वीडियो करेंगे, वीडियो की संख्या दोस्तों 1.4K यानी 1400 के आसपास वीडियो है। तो अगर रीडिंग सीखना है या राइटिंग सीखना है, फिर स्पोकन है, सब कुछ सीखेंगे तो ये स्टेप ना तो ग्रामर की पूरा नंबर की तारीख खरीदना है, हाँ एक कॉपी जरूर बना लीजिए ताकि आप रिवीजन कर सकें अपने हिसाब से, रिवीजन करेंगे तभी तो सीखेंगे, जैसा कहा जाएगा वैसा लिखते जाइए, कॉपी बना लीजिए, 5-6 रजिस्टर कॉपी हो जाएगी ना, तो रिवीजन करने में मजा आएगा और इंग्लिश सब तक सीख जाएंगे, लिखते लिखते ही सीख जाएंगे। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और एक सलाह है कि आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा थोड़ा नए नए वर्ड्स को लीजिए, 64 पार्ट्स वर्ड का यूज़ कीजिए, वॉवल्स का यूज़ कीजिए, कॉन्सेप्ट का यूज़ कीजिए, और हिंदी शब्दों को लिखने के लिए स्वर व्यंजन का यूज़ कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, अगर बताइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को, जी हाँ दोस्तों हमारे ऐप को डाउनलोड करना मोमी सेंड है, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने का धन्यवाद, ठाकुर मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।